हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप सभी को क्लास टेंथ इंग्लिश के अनसॉल्व का सेट चौथा सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अनसॉल्व से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी होता नहीं है। जो भी आप लोगों को गुमराह करते हैं अदर चैनल वाले, उनके बातों में आप ना आएँ, अन्यथा आपको एग्ज़ाम के समय बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो को देखिए और अनसॉल्व से सबसे बेहतरीन तैयारी कराइए, ठीक है। और सबसे पहले आपको हर एक टॉपिक का वीडियो हमारे चैनल पे ही अनसॉल्व से संबंधित मिल रहा है। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएं और सारी तैयारियों को अच्छे ढंग से आप रिवीजन के साथ करते रहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका पेपर कोड हमारा है 817DK, ठीक है। तो आपका चाहे जो प्रकाशन होगा, अगर ये कोड मिल रहा है तो आपका सारे क्वेश्चन वही सेम होंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो हम देखते हैं जो है मल्टीपल चॉइस का, जो हमारा जैसे सेम सेट में देखा था कि इस तरीके से 1, 2, 3 जो सेट में देखा था हमने कि जिस प्रकार से जो क्वेश्चन थे, तो वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो दिया, जैसे यहाँ पे देखिए 1 से 3 पैसेज क्या दिया है, 1 से 3 जो क्वेश्चन दिया गया है पैसेज के अकॉर्डिंग दिया गया है। जैसे तो क्या करेंगे कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। यानी हमें क्या करना है, केयरफुल्ली जो है सावधानी पूर्वक जो है हमें इस पैसेज को पढ़ना है, और पैसेज को पढ़ने से जो है हमें जो उसके आंसर है, यानी 1 से 3 जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो हमें आसानी से उसमें क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए जो है देखते हैं इन क्वेश्चन के बारे में, 1 से 3 क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, पहला ये क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज, यानी जो है अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपल, जो पुराने लोग होते हैं उनकी जो है पार्ट की जो लाइफ क्या थी। तो यहाँ पे दिया है रिमेंबरिंग द प्रजेंट टू फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, अगला क्या है टू रिपेंट फॉर व्हाट इज हैपनिंग एंड चाइल्डहुड। तो यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखिए चाइल्डहुड, यानी कि यहाँ पे क्या है चाइल्डहुड, यानी बचपना, यानी लोगों के जो पहले यहाँ पे जो लोगों के थे उसके क्या है बचपना, यानी सबसे जो है एक बेस्ट जो है लाइफ पार्ट होता है बचपना, जो है लोग हमेशा जो है याद रखते हैं। फिर देखते हैं अगला यहाँ पे क्या है, टू होम डज ए चाइल्ड्स ट्रैवल सीम बींग, यानी जो बच्चा है वो किस प्रकार से जो है ट्रैवल, यानी परेशान रहता है, तो किससे मतलब परेशान रहता है, यहाँ पे किससे कहते हैं मतलब किससे परेशान होता है। तो यहाँ पे दिया है टू फादर टू मदर टू चाइल्ड टू हिज हर फ्रेंड। तो यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे इसका ऑप्शन है फादर, यानी वो बच्चा जो है अपने जो है कहाँ से मतलब कह सकते हैं यहाँ पे फादर से जो है क्या होता है परेशान रहता है, यानी हमेशा अपने पिता से जो है परेशान रहता है। विच वर्ड इन पैसेज ऑफ द अपोजिट ऑफ एंडलेस, यानी एंडलेस का जो अपोजिट है वो किसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो एंजेलेट का जो अपोजिट देखेंगे तो इसका क्या है फाइनाइट यानी एंडलेस यानी अंतिम, यहाँ पे हम कह सकते हैं इसका अपोजिट यहाँ पे हो गया। फिर आगे देखते हैं 4 से 8 जो क्वेश्चन यहाँ बताया गया है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है कि हमें जो है क्या करना है, इसको जो है ऑप्शन को जो है करेक्ट यहाँ भरना है। जैसे लिखा है चिल्ड्रेन टू अटेंड द प्रोग्राम, तो चिल्ड्रेन अटेंड टू द प्रोग्राम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड गोन विल गो वेंट ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन क्या है करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है डी ऑप्शन, यानी कि ए भी हम कर सकते हैं, यहाँ हैड गोन भी कर सकते हैं, विल गो भी करते हैं एंड वेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखते हैं द थिंग दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाई सम बॉडी इज कॉल्ड, यानी यहाँ पे कहा गया है कि जो है सम बॉडी जो मतलब कुछ बॉडी जो होती है शरीर, तो उसको मतलब किस प्रकार से जो है उसको हम क्रिएट कर उसको उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सर्च लर्निंग इन्वेंशन प्रमोशन, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका इन्वेंशन, यानी आविष्कार करके जो है हम किसी चीज़ को मतलब बना सकते हैं कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है, रीअरेंज द वर्ड क्लस्टर ऑफ मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी हमें सेंटेंस दिया गया है उसका जो है करेक्ट जो क्लस्टर बताना है यहाँ पे, जैसे क्या लिखा है संडे ऑन ही ईच चर्च टू गोज, तो अब ये जो है सेंटेंस का क्लस्टर दिया है, एक समूह दिया है, इन समूहों को जोड़कर एक जो है प्रॉपर जो है वर्ड बनाना। जैसे क्या लिखा है, ही ईच संडे गोज ऑन टू चर्च, यानी हो सकता है। फिर क्या लिखा है, ही गोज टू चर्च ऑन ईच संडे,
ये पॉसिबिलिटी है इसकी। उसके बाद में क्या है, ऑन ईच संडे चर्च ही गोज टू, चर्च गोज टू हीज ऑन संडे, यानी इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। इसका क्या है जीमला जो है इस तरीके से देखा कि बी ऑप्शन क्या है करेक्ट ऑप्शन है। उसके अगला यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मिस स्पेल्ड, यानी यहाँ पे जो है एक जो है फॉलोइंग वर्ड दिया गया है उसका मिस स्पेल्ड यहाँ पे बताना, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका जो है ऑप्शन क्या करेक्ट हो सकता है, देखिए इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट है, इसका क्या है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि मिलिटेटरी, क्या है मिलिटेटरी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्या है, द टीचर पॉइंटेड फिल इन द ब्लैंक यहाँ भरना है, द मिस्टेक एंड सीला करेक्टेड इट, तो यहाँ पे कौन सा जो है प्रीपोजिशन सुटेबल, एक प्रीपोजिशन देना है तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे जो है जो सुटेबल प्रीपोजिशन यहाँ पे आउट, यानी पॉइंटेड आउट, क्या लिखते हैं यहाँ पे पॉइंटेड आउट, यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट, देखा हमने यहाँ पे देखा। अब अगला जो है हम यहाँ पे देखते हैं, अगले यहाँ से देखते हैं 9 से 10 जो है देखते हैं, देखिए अब फिर से यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, अब उस पैसेज को हम यहाँ पे पढ़ते हैं और उस पैसेज के अकॉर्डिंग जो है इसका हम जो है क्वेश्चन यहाँ पे आंसर देखते हैं। तो चलिए जो है पैसेज यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं, देखिए अब पैसेज दिया है, अब पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा लिखा, मिस्टर मंडेला वॉज नॉट फ्री बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर वर, यानी जो नेल्सन मंडेला हैं वो फ्री नहीं हैं लेकिन उनके ब्रदर और सिस्टर किस प्रकार से हैं, फ्री प्लेइंग अपोलोजिंग एंड आल्सो नॉट फ्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट, आल्सो नॉट फ्री यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे अगला जो है देखते हैं क्या है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मिस्टर मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यहाँ पे क्या है कि ज्वाइन द नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी कि जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है उसको कब जो है ज्वाइन किया, तो ही फाउंड दैट वाज अनसक्सेसफुल, फिर क्या है ही फाउंड वाज फ्री, इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका हम देखेंगे, तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन क्या है करेक्ट है, ही फाउंड दैट हिज फ्रीडम एंड फ्रीडम इज एवरीवन हु लुक टू लाइक हिम वाज कैप्टुलेट, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन क्या है करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका करेक्ट। तो चलिए आगे इसी क्रम में जो है आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पे देखेंगे, देखिए क्या दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग ऑप्शन, यानी यहाँ पे दिए गए हैं, अब देखिए क्या है, ऑन द पोडियम वाज फर्स्ट सोर्न इन सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, यानी यहाँ पे बताया गया है, तो फर्स्ट जो है डिप्टी प्रेसिडेंट यहाँ पे किसके बारे में यहाँ पे देखेंगे, तो किस प्रकार से यहाँ पे है, देखिए इसका क्या क्या दिया है यहाँ पे, थाबो मेबकी, नेल्सन मंडेला, जेनानी और फिर क्या है मिस्टर डे क्लर्क, तो यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका यहाँ पे डी ऑप्शन क्या है करेक्ट है, मिस्टर दे क्लर्क, क्या है मिस्टर दे क्लर्क। देखिए तो अगला क्या है यहाँ पे, द पोएम वाज अबाउट मदर डक एंड, उसके बाद क्या है फिल द ब्लैंक्स सॉन, यानी यहाँ पे पोएम के बारे में बताया कि एक पोएम है तो अबाउट डक, इन डक यहाँ पे क्या है सिस्टर ब्रदर फादर ग्रैंडफादर, तो यहाँ पे इसका जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे फादर, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा फादर। उसके बाद में क्या है, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू आवर फ्रेंड चैम्पियन एंड, तो यहाँ पे क्या है टीचर गाइड हेल्पर फ्रेंड, तो यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अगर इसका देखेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है करेक्ट, यानी गाइड यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइड इसका जो है सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्या है अगला यहाँ पे देखेंगे, तो फिर 14 से 15 क्वेश्चन क्या दिया है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी हमें यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया है, एक पोएम दिया गया है, उस पोएम को पढ़ें और उस पोएम से जो है बताया जाए कि मतलब किस प्रकार से यहाँ पे दिया गया। देखिए यहाँ पे पोएम दिया गया ना कि सम से वर्ल्ड विल एंड फायर एंड सम से आइस एंड फ्रॉम व्हाट टू आई हैव टेस्टेड टू ऑफ डिजायर आई होल्ड दोस टू फेवर फायर, इस तरीके बताया गया है। अब देखिए इसी जो है पोएम के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखेंगे, तो देखिए यहाँ पहला क्या क्वेश्चन है, सम पीपल से दैट वर्ल्ड विल एंड इन, यानी कुछ पीपल क्या कहते हैं जो एंड जो दुनिया है वो कैसे एंड हो जाएगी, तो सम पीपल जो है कहना उसका क्या है यहाँ पे जो दुनिया यहाँ पे क्या है फायर, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा फायर, जैसे हमने पढ़ा है पोएम में। फिर क्या है,
व्हाट डू यू मीन बाई होल्ड हियर, यानी यहाँ पे होल्ड का यहाँ पे क्या मतलब है, इसके बारे में यहाँ पे क्या लिखा है, डिज़ायर स्काई सपोर्ट कम्फर्ट, तो यहाँ पे क्या है डिज़ायर, यानी इसका कौन सा ऑप्शन करोगे, डिज़ायर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 16 से जो है क्वेश्चन दे दिए गए हैं 20 तक के। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉलोइंग ऑफ क्वेश्चन, तो क्या लिखा है, व्हेन द ट्रेन हैड गोन द थीव फाउंड हिमसेल्फ, यानी का गाड़ी चली गई और जो है पुलिस को क्या मिला, यहाँ पे चोर को क्या मिला, तो आउट ऑफ द स्टेशन, अवे फ्रॉम होम, एट द टिकट ऑफ ऑफिस, उसके बाद में क्या है, डिसर्टेड ऑफ प्लेट, क्या लिखा प्लेटफॉर्म, तो इसका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर इसका हम देखेंगे यहाँ पे तो इसका यहाँ पे डी ऑप्शन क्या है करेक्ट है, क्या है डी ऑप्शन, यानी ऑन द डिस्ट्रेस्ड ऑफ प्लेटफॉर्म। फिर क्या है, व्हेन द थीप ऑक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड, यानी यहाँ पे जो है देखेंगे तो इसका क्या यहाँ पे यहाँ है कि मॉर्निंग में उसको जो है चोर कितने बजे, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग कितने बजे उठा, तो यहाँ पे क्या है, अनिल हैड लेफ्ट हिम, अनिल हैड क्या लिखा है यहाँ पे, अनिल हैड लेफ्ट हिम, अनिल चीटेड हिम, अनिल हैड मेड द टी, अनिल हैड डिसीव्ड हिम, तो यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अगर इसका हम यहाँ पे देखें तो इसका यहाँ पे जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में ग्रीफिन सॉलिड सर्टेन रेयर ड्रग एंड बॉडी हीज बिकेम, इसकी जो बॉडी थी वो किस प्रकार से, जब ड्रग उसने खाया तो उसकी बॉडी जो है किस प्रकार से हो गई, तो यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, यानी जब उस ड्रग को लिया तो साइंटिस्ट था वो ग्रीफिन, तो उसने ड्रग को जब लिया तो उसमें क्या हो गया, वो उसका जो है शरीर ट्रांसपेरेंट हो गया। फिर क्या है, मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल हैड अरेस्ट टू मैन विदाउट, यानी मिस्टर जो है कांस्टेबल थे जेफर को जो है किस प्रकार से उनको अरेस्ट किया, तो यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन, यहाँ पर क्या लिखा है, ए हेड लेग आई ग्लासेस, तो यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, इसका हम देखेंगे तो ए ऑप्शन क्या है करेक्ट, यानी हेड यहाँ पे क्या हो जाएगा हेड, ठीक है हेड देखते हैं यहाँ पे। फिर क्या है कि एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड ब्राइट बिगेन टू डूइंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो रिसर्च कर रहे थे रिचर्ड तो वो किस स्कूल में, यहाँ किस मेडिकल में जो है कर रहे थे, यहाँ बताया गया है टू सेव हिज लाइफ, टू सेव अदर लाइफ, टू प्रूव देन रिएक्शन एंड टू टेस्ट थ्योरी, तो यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे इसका हो जाएगा टू टेस्ट हिज थ्योरी, यहाँ पे इसका जो है थ्योरी यानी इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे जो है देखा कि किस प्रकार से ऑप्शन के जो है किस तरह प्रकार करें, तो आप इस जो है ऑप्शन को जो है अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ पे जो है आपको सारे डिटेल जो है बताए गए हैं और निश्चित इसमें से जो है ये क्वेश्चन आएगा। अब देखिए अगला जो है हम लोग पढ़ते हैं रीडिंग के बारे में, तो जो रीडिंग के बताए गए हैं यहाँ पे, तो रीडिंग वाले जो क्वेश्चन है पैसेज दिया होता है और पैसेज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पैसेज के अकॉर्डिंग जो है उसके हम क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं, तो सावधानी पूर्वक आप पैसेज को पढ़ लीजिए और पैसेज पढ़ने के बाद जो है आप उसका जो है आंसर यहाँ पे आसानी से, तो अगर आपने पैसेज बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उसको आसानी पूर्वक जो है आप क्या मतलब जो है बिल्कुल जो है बिना पढ़े आप जो है पैसेज के आंसर देते बहुत ही आसान तरीके से दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डॉटर्स डिड किंग ऑफ ग्रीस है, यानी जो है किंग जो ग्रीस थे उसके पास कितने डॉटर थे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मतलब क्या है कि हाउ मेनी डॉटर यानी उसके पास कितने मतलब जो है पुत्री थे, तो अब यहाँ पे देखें पैसेज में, अगर हम पैसेज में देखें तो क्या दिया, देखिए यहाँ पे कितने डॉटर, ग्रीस इन ही हैड थ्री लवली डॉटर, क्या लिखा, ही हैड थ्री लवली डॉटर, यहाँ पे लिख देंगे ही हैड थ्री लवली डॉटर, यानी कितने डॉटर थी उनकी, कितनी पुत्रियाँ थी, तीन पुत्रियाँ थी, ठीक इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक उसके बाद में क्या है, हु वॉज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि इसमें फेयरेस्ट यानी कि कौन जो है सबसे फेयरेस्ट थी, तो कौन मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं द फर्स्ट, देखिए क्या लिखा है, द फर्स्ट डॉटर वॉज वेरी ब्यूटीफुल, द फर्स्ट डॉटर वॉज वेरी ब्यूटीफुल, तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर क्या दिया है कि वाई डिड साइके प्रे टू गॉड यानी ऑफ ग्रीस, यानी साइके प्रे, यहाँ देखिए क्या यहाँ पे ना देखिए दिया है क्या लिखा है यहाँ पे साइके वाज, तो यहाँ पे लिख देंगे कि सी वॉन्ट टू मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल एंड हर नेम इज साइके, यानी उसका जो है साइके यहाँ पे बता देंगे कि साइके प्रे टू गॉड,
तो अब यहाँ पे क्या है साई के प्रे टू गॉड, तो इस तरीके से यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक, उसके बाद में क्या है विच वर्ड इस पैसेज मीन्स अनअट्रैक्टिव, यानी अनअट्रैक्टिव इस पैसेज में जो है अनअट्रैक्टिव वर्ड का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, तो यहाँ पे क्या है ब्यूटीफुल, क्या है ब्यूटीफुल। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा। तो अगला हमारा क्या है राइटिंग, यानी राइटिंग वाला हमें यहाँ पे करना है। देखिए राइटिंग में जो है क्या दिया, 22 क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो क्या दिया है, राइट ए लेटर टू एल्डर ब्रदर रिक्वेस्टिंग टू हेम सेंड 10,000 रुपीज, प्रिपेयर योर सेल्फ कम्पिटेटिव एग्जाम, या आपको एक एप्लीकेशन देना है, राइट एन एप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग टू हिम मेक, रिक्वेस्टिंग टू हिम मेक ब्लड कह रहा है यहाँ पे लाइब्रेरी बनाने के लिए जो है एक अप्लाई दिया है। तो उसके लिए यहाँ पे हम देखेंगे तो किस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए चलिए हम लेटर को भी देख लेते हैं और यहाँ पे एप्लीकेशन दोनों के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एप्लीकेशन और लेटर को जो है देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है लेटर के बारे में, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा देखिए, तो राइट ए लेटर ब्रदर टू सेंड हिम 10,000 रुपीज फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम। तो देखिए सबसे पहले लेटर जो लिखते हैं यहाँ पे 22 कोलकाता वेस्ट बंगाल 26 सितंबर 2022। डियर अमित, यहाँ पे क्या लिखा, डियर अमित आई होप यू आर प्रेपरिंग वेल डन, इन दिस लेटर आई एम ज्वाइनिंग द कम्पिटेटिव एग्जाम, सो आई नीड टू सम मनी, आई वॉन्ट टू सेंड 10,000 रुपीज़ मनी इन फ्रॉम फिलअप फॉर्म एंड प्रिपेयरिंग एग्जामिनेशन, नीड सम बुक्स, आई हैव ग्रेट डिज़ायर टू द बाय बुक्स विद इन अ वीक। ठीक, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा योर लविंग एक्स वाई जेड। तो हमने इस प्रकार से क्या देखा लेटर के बारे में देखा। तो चलिए साथ में हम जो है एप्लीकेशन यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन यहाँ पे बताया गया है कि एप्लीकेशन के बारे में तो क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल DBA पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, रिस्पेक्टेड सर आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, बी हाफ माई इंटायर क्लास आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू मेक अरेंजमेंट फॉर ए स्कूल लाइब्रेरी, देयर आर सो मैनी वेरियस रीडर एंड हु वॉन्ट टू रीड बट ड्यू टू नॉट अवेबिलिटी ऑफ गुड स्कूल लाइब्रेरी बी मिस आउट दोज अपॉर्चुनिटी, काइंडली अरेंज स्कूल लाइब्रेरी फॉर अस, बी वुड बी फॉर एवर ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंड इनिशिएटिव, थैंक्स। तो इस तरीके से लिखा, फिर योर अवेंटली नेम ABC क्लास 10th सेक्शन ए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में देखा और लेटर के बारे में देखा। तो चलिए आगे जो है इसी क्रम में, तो चलिए आगे यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है ग्रामर वाला यहाँ पे स्टार्ट है। तो देखिए क्या लिखा जो है ग्रामर का जो है देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे जो है क्या दिया गया, डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिया गया है उसको क्या करना है इनडायरेक्ट स्पीच में जो है चेंज करना है। तो देखिए क्या लिखा है, द टीचर सेड टू मी योर ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। अब इसको जो है डायरेक्ट में है इसको क्या करना है इनडायरेक्ट में, तो कैसे चेंज करेंगे, द टीचर टोल्ड मी दैट माई ड्यूटी वाज, यहाँ पे क्या करें वर्ड लिखा है ना यहाँ पे क्या वाज टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स, तो इसके हिसाब से कर देंगे। फिर अगला क्या दिया यहाँ पे, चेंज द फॉलोइंग पैसिव वॉइस, यानी यहाँ पे पैसिव वॉइस में करना, तो क्या लिखा है, द किंग शूट द लायन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द लायन वॉज शूट बाई किंग, यहाँ पे क्या द लायन वॉज शूट बाई किंग। अगले देखते हैं यहाँ पे हम क्या दिया है, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि पंचुएशन करना है, तो क्या लिखा, राकेश सेड टू श्याम आर विल स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी, तो यहाँ पे राकेश स्मॉल में दिया है तो इसको क्या है आर कैपिटल में कर, राकेश सेड टू मी श्याम कॉमा करके इन्वर्टेड कॉमा आर यू विल, आर जो है एक का क्या है कैपिटल हो जाएगा, तो आर वी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं। फिर अगला यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो देखिए यहाँ पे जो है इंग्लिश जो है ट्रांसलेट यहाँ पे बताया गया है, तो किस प्रकार से जो है हम लोग इंग्लिश का ट्रांसलेशन यहाँ पे करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ट्रांसलेशन जो है क्या, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये ट्रांसलेशन यहाँ पे दिया गया है, जिसमें क्या लिखा है कि मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता हूँ, गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी, गाड़ी में भीड़ नहीं थी इसलिए हम लोग आसानी से बैठ गए, गाड़ी समय से चल दी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, देखिए क्या बताया गया यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे देखें पहले क्या दिखा है
कि मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए आई वांटेड टू गो टू लखनऊ ऑन संडे विथ माई पेरेंट्स। फिर अगला यहाँ पे क्या है कि देखें, आगे यहाँ पे दिया गया है कि गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर एक पर खड़ी थी, गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर एक पर खड़ी थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ट्रेन वॉज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर ए वन। क्या हो जाएगा, द ट्रेन इज स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म नंबर वन। तो इस प्रकार से देखा। उसके बाद में आगे देखते हैं, तो आगे यहाँ पे क्या दिया है, गाड़ी में भीड़ नहीं थी, यानी क्या गाड़ी में जो है भीड़ नहीं थी, गाड़ी एकदम से खाली थी। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, देयर वॉज नो क्राउड इन द ट्रेन, देयर वॉज नो क्राउड इन द ट्रेन। उसके बाद में क्या है, इसलिए हम लोग आसानी से बैठ गए, इसलिए हम लोग आसानी से बैठ गए। तो क्या हुआ, सो वी सेट डाउन ईजली, वी सेट डाउन ईजली, यानी हम लोग आसानी से बैठ गए। उसके बाद में क्या है, गाड़ी सही समय पे चल दी, यानी जो गाड़ी है सही समय पे चल दी। तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन लेफ्ट ऑन टाइम, यानी ट्रेन जो है एक सही समय पर क्या हो गई, चल गई। इस प्रकार से ठीक, तो हमने इस प्रकार देखा। फिर आगे जो है बढ़ते हैं किस क्रम में, तो देखिए अब लिटरेचर लिखने वाला आ गया यहाँ पे। तो क्या दिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड्स, 30 to 40 वर्ड ईच। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या लिखा है क्वेश्चन, व्हाट आर वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लैंचो, लैंचो की जो है फैमिली के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो चलिए यहाँ पे जो है लैंचो की जो है फैमिली के बारे में यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे दिया गया, क्या लिखा गया है, लैंचो एंड हिज फैमिली सिंगल होप वाज द गॉड, ही बिलीव्ड द ओनली गॉड हु आईज सॉ एवरी थिंग इवन वाट इज डीप इन वंस कॉन्शियसनेस। तो यानी कि जो उसकी फैमिली थी वो हमेशा किस पे जो है गॉड पर जो है फैद करती थी, गॉड पे जो है भरोसा करती थी। अब देखिए उसी का जो है बी वाला जो है क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका बी क्वेश्चन यहाँ पे और यानी और कर दिया, वाई वाज मिस्टर किसिंग ए टीचर एनॉयड विथ ऑथर। तो आप तो या तो उसको पहले वाला आंसर लिखिए या तो इस आंसर को लिखिए, इनमें से सिर्फ एक ही करना है। देखिए यहाँ पे और करके दिया ना, क्या लिखा, किसिंग वाज एनॉयड विथ एन ए बिकॉज सी वाज वेरी टॉकटेटिव, ही पनिश्ड हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क। तो इस प्रकार से हमने देखा। अगला देखते हैं यहाँ पे जो है अगले क्वेश्चन के बारे में, जो है 25 के जो है बी क्वेश्चन क्या लिखा है, हाउ वाज मैंडेला नॉट ट्रेवल बाई द लॉ ऑफ मैन और गॉड। यानी यहाँ पे 25 का जो बी वाला दिया गया है उसको देखते हैं यहाँ पे क्या है, एज ए लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर वॉज ओबेडेड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, मंडेला वॉज नॉट ट्रेवल बाई द लॉज ऑफ मैन आर गॉड। इसी का अथवा क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे, वी हैव एन इंडियन लिगेंड टू बुद्धि रामा एंड एशियन बुद्धिस्ट आर्टिकल्स एसिस्ट कट ऑफ हिज आईलिड बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। यानी इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। फिर उसके बाद में जो है 26 का अगर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, देखिए 26 का जो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बताया गया है, आंसर द यहाँ पे क्या दिया, आंसर द यहाँ पे क्या लिखा है, आंसर द वन ऑफ एनी फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि 60 वर्ड, यानी 60 वर्ड में जो है इस क्वेश्चन का जो है आंसर है। तो यहाँ पे आप जो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, वाई डिड वैली प्लान हर बस राइड, उसके बाद क्या है, वाई डिड लैंचो राइट ए लेटर टू गॉड। यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से हमें आपको जो है एक ही क्वेश्चन करना है। हम आपको दोनों क्वेश्चन के बारे में बताते हैं, आपको यहाँ पे एक जो है क्वेश्चन करना है। तो चलिए यहाँ पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, देखिए क्या लिखा है, 26 का जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्या लिखा गया है, बेली प्लान दैट सी वुड टेक द 1 o'clock ऑफ आफ्टर नून बस, बस रीच द टाउन एट द 1:45 एंड वी बैक होम अबाउट 2:45, सी फाउंड आउट दैट टाउन वाज 6 mile फ्रॉम हर विलेज, द फेयर वाज 30 paise वन वे, द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes। तो इस तरीके से हम देखा। अब चलिए इसके क्रम में जो है हम लोग जो 26 का जो है पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमें इनमें से सिर्फ एक ही करना है, या तो आप उसको कीजिए या इसको कीजिए। आप यहाँ पे क्या लिखा, लैंचो रोट ए लेटर टू गॉड बिकॉज ही वाज इज डिस्प्रेस्ड इन नीड ऑफ मनी सपोर्ट टू हिज फैमिली, हिज क्रॉप हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाई हेल स्ट्रॉम
एंड ही हैड नो अदर मनी मीन्स ऑफ इनकम इन हीज लेटर टू ही एक्सप्रेस्ड his faith in God and ask for help. तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि इस प्रकार से क्या करता है, वो हेल्प जो है मांगता है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे जो है हम लोग इसी क्रम में जो आगे बढ़ते हैं 27 का जो है क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। देखिए 27 क्या दिया है, लिखा 27 क्वेश्चन कि व्हाट डज गर्ल यार्न व्हाट टू अबाउट टू टेल यू अबाउट अमांडा, यानी अमांडा के बारे में बताना है यहाँ पे, या राइट फोर लाइन पोएम डिस्क्राइब टू टू नॉट कॉपी, यानी सिलेबस जो आपके सिलेबस में दिया गया उस कॉपी को यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो है एक एक करके यहाँ पे देखिए 26 के बाद यहाँ पे क्या है 27 देखते हैं। तो क्या लिखा है, द गर्ल दैट अमांडा यर्न फॉर फ्रीडम एंड सुलिटर हर पेरेंट्स आर अवे टेलिंग हाउ टू बिहेव एंड व्हाट डू यू अमांडा इज ए एंग रेस्टलेस एंड विद इन विविड इमेजिनेशन। तो इस प्रकार से हमने देखा, या आप यहाँ पे एक जो है एक पोएम लिख सकते हैं। देखिए एक पोएम बताया यहाँ पे दिया गया है, इफ़ यू क्या लिखा है यहाँ पे, इफ़ एवर यू शुड गो बिकम चांस टू जंगल इन द ईस्ट एंड इफ ट्री शुड यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी वेस्ट। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे, तो या तो आप उसको लिखिए या तो इस चार लाइन का जो है आप पोएम के बारे में यहाँ पे लिखिए। आगे क्या क्वेश्चन नंबर दिया है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड, यानी यहाँ पे सेंट्रल आइडिया बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो सेंट्रल आइडिया दिया है, डस्ट ऑफ स्नो ए टाइगर इन द जू द ट्री, तो ये जो सेंट्रल आइडिया दिया गया है हमने सेट वन सेट टू और सेट थ्री में जो है देखा है जो इसको अच्छे तरीके से कि किस प्रकार से लिखते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार पढ़ के सुना देता हूँ कि किस प्रकार से लिखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो, तो चलिए डस्ट ऑफ स्नो का जो सेंट्रल लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, सेंट्रल आइडिया द रॉबर्ट फॉरेस्ट ट्राइंग टू सेटर द ओल्ड बिलीफ दैट ह्यूमंस कंसीडर एज इल कम्स ही एक्सप्रेस्ड हिज एटीट्यूड थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ क्रो एंड हेमलॉक ट्री विच आर कंसिडर्ड एज हील कम्स नथिंग इज गुड आर बेड थिंकिंग मेक टू इट ही स्क्वीज गॉडनेस फ्रॉम बेड। इसके बारे में जो है आज आपको अच्छे तरीके से जो है समझाया गया है सेट जो है थ्री में, तो आप वहाँ पे उस वीडियो को जाके जो है एक बार देख लीजिए, और अगर आपको यहीं से समझ में आता है तो आप इसे यहाँ पे देखते हैं। फिर अगला यहाँ पे जो है देखते हैं जो सेंट्रल आइडिया क्या दिया गया है, अगला अगर सेंट्रल की बात करें यहाँ पे क्या दिया गया है देखिए, तो क्या लिखा है यहाँ पे, ए टाइगर इन द जू और फिर क्या है ट्री। तो चलिए यहाँ पे ए टाइगर इन द जू को भी देख लेते हैं, और यहाँ पे दोनों यहाँ पे देखिए द ट्री के बारे में यहाँ पर दिया गया है, द ट्री क्या लिखा है, इन दिस पोएम द पोएट एडरिन रिस शो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर हियर मैसेज गिवन बाई हर दैट ए फ्यू ट्रीज इन आवर होम्स कैन नॉट बी कॉल्ड नेचर द रियल नेचर इज आउटसाइड इन द जंगल आर ऑन द माउंटेन्स दैट मैन हैज ऑलरेडी डैमेज ए लॉट ऑफ इट ऑलमोस्ट इरिपरेबल। तो इस प्रकार से हमने देखा किसका, ट्री के बारे में, ए टाइगर एंड जू का जो है यहाँ पे सेंट्रल दिया गया है। इन दिस पोएम द पोएट इज ट्राइंग टू कंट्रास्ट टाइगर इन द जू विद इन द नेचुरल टाइगर हैबिटेट ही कन्वेज एंड ट्रांसपेरेंट मैसेज फ्रॉम द पीपल द मैसेज ऑफ दैट वाइल्ड एनिमल शुड बी इन दियर नेचुरल हैबिटेट ही लाइटेड द कंट्रास्ट बिटवीन फ्रीडम एंड कैपेसिटी। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पे सेंट्रल आइडिया के बारे में। तो इस प्रकार से जो है आगे इसी क्रम में जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है 29 क्वेश्चन दिया है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 वर्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो क्या लिखेंगे, वाई वाज क्या लिखा है, वाई वाज मिसेस पेम्फ्रे रिंगिंग ए डजन टाइम ऑफ डे, और दूसरा क्या है, हु डिड मेमे लॉसी लुक व्हेन शी टुक पार्ट ऑफ इन द। इनमें से सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, हम आपको यहाँ पे दोनों क्वेश्चन के बारे में बताते हैं, सिर्फ आपको इसमें दो क्वेश्चन जो है करना है। चलिए जो है हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्या दिया यहाँ पे क्वेश्चन, पहला यहाँ पे 29 का जैसे क्या लिखा है, ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम हिज लाइफ ऑल द वाइल मिस्टर मिसिस पम्फ्रे ओवर होड एक्सेंसली इन द बैकग्राउंड रिंगिंग ए डजन टाइम ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन। उसके बाद में इसी क्रम में जो है 29 का वी यहाँ पे देखते हैं, क्या लिखा है, वन डे ऑफ द वॉल मेमे लॉसी वाज ग्रेट सक्सेस मेमे लॉसी वाज द इन सेंटर ऑफ अटेंशन
एट द बॉल हर ब्यूटी हर ग्रेस अर जॉय टू एंड जॉर्जियस स्माइल कैपिटी ऑल। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पे, तो इनमें से हमें या तो ये 21, 29 का ए करना है या 29 का बी, तो इनमें से जो है आप एक ही क्वेश्चन जो है करेंगे। ठीक, उसके बाद से क्रम में जो है देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए क्या है 30 जो क्वेश्चन दिया है, आंसर द फॉलोइंग वन क्वेश्चन 61 यानी कि 61 में दिया है। तो क्या लिखा है, व्हाई डिड थीप मेक फ्रेंड विद अनिल, वाज ग्रीफिन लॉलेस ऑफ पर्सन, व्हाट आर माइंड योर ओपिनियन अबाउट हिम। तो इस प्रकार से यहाँ पे ओपिनियन यानी कि जो है जो ग्रीफिन का ओपिनियन था, उसका जो राज था वो किस प्रकार से, उसका राज था किस प्रकार से वहाँ पे था, तो इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 30 जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्या लिखा है, जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, द थीप मेड अ फ्रेंड विथ अनिल बिकॉज ही वॉन्टेड टू हैव एन एक्वाइंटेशन विथ द हिम टू मेक हिम हिज नेक्स्ट विक्टिम, मोर एवर ही नीडेड प्लेस टू लाइव, ही स्टार्टेड टू वर्क फ्रॉम अनिल हु वाज क्रूडलेस पर्सन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा, तो इसी क्रम में जो हम लोग आगे 30 का यहाँ पे जो है बी वाला क्वेश्चन क्या है, बी कैन से दैट ग्रीफिन वाज ए लॉलेस पर्सन, ही डिड नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वाटर ऑर्डर ऑफ द कंट्री एज ही थॉट ऑफ हैविंग हिज रिवेंज, बी सेटिंग ऑन फायर इन हिज लैंड लॉर्ड्स हाउस आर प्रॉपर्टी, ही डिड नॉट बिलीव इन लॉ, ही रॉब्ड शॉपकीपर ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पे जो है ये सिलेबस यहाँ पे पूरा क्या हमारा हुआ था, अनसॉल्व हमारा यहाँ पे क्या होता है पूरा कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे कि किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमने जो है देखा, थैंक यू, आप जो एंजॉय कीजिए और नेक्स्ट जो है सेट के लिए यहाँ पे हम लोग तैयार रहेंगे।